Assalamu alaikum, 5 class, how are you? Are you fine? 5 class, today our lecture is page number 49 pe hai, boiling. Boiling ka topic kya hai? Boiling, space between particles increase and attractive forces between them become weaker. Inke darmiyan jo spaces hain, wo bahut hi weak hoti hain. Jab ise paani ko boil kiya jata hai, unke particles ki movement bhi faster ho jati hai, tez ho jati hai, aur inke darmiyan jo particles hain, unki movement weak ho jati hai. Finally, the liquid begins to change into bubbles of vapors on gas. कह रहे हैं कि liquid change होते हैं bubbles of gas के. जब पानी को गर्म किया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसमें एक तो bubbles बनते हैं और बाकी जो पानी है वो बहरात की शक्ल में मतलब उड़ता है, भाप बन के उड़ता है. तो वो कह रहे हैं कि वो गैस के में चेंज हो जाता है. हीटिंग चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैशियस स्टेट. कह रहे हैं कि जब गैस को इसको हीट अप किया जाता है, बॉइलिंग को पानी को बॉयल किया जाता है, तो वो गैस स्टेट में होके तो बाद में गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. इन द फॉर्म ऑफ वेपर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉयलिंग. कह रहे हैं कि ये जो वेपर्स वाला सिस्टम है, पानी बॉयल होके गैस के फॉर्म में हो जाता है, इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? बॉयलिंग. देन हमारा टॉपिक है एवेपोरेशन. एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन का प्रोसेस इसे कहते हैं कि जो पानी बहरात बन के उड़ता है उसे कहते हैं एवेपोरेशन. अमले तहबीर इसे उर्दू में कहते हैं. द चेंज ऑफ लिक्विड इज स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट गैसियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन. कह रहे हैं कि पानी जो विदाउट बॉयल किए, पानी जो लिक्विड है उसे विदाउट बॉयल किए बहरात या किसी गैस हालत में तब्दील होने को एवेपोरेशन कहते हैं. विदाउट बॉयल किए, विदाउट इसे जो लिक्विड है उसे इस फॉर्म में लाए बगैर पानी गैस की हालत में होना उसे कहते हैं एवेपोरेशन. व्हेन लिक्विड वाटर एवेपोरेट इट्स चेंज स्टेट. कह रहे हैं कि जब पानी एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट के जरिए बहरात में तब्दील होता है, तो इसकी हालत चेंज हो जाती है. लिक्विड वाटर गोज इनटू द सराउंडिंग एयर एज वाटर वेपर्स. माया पानी बहरात की शक्ल में एहतियार करके जो इर्द गिर्द है फ़िज़ा में शामिल हो जाता है. आप लोगों ने मैंने भी आपको एग्जांपल दी है कि अगर हम लोग पानी को बॉयल करें तो वो क्या होता है? बहरात बन के उसका जब भाप निकलता है तो वो गैस के फॉर्म में होता है, और इर्द गिर्द हवा में उसके गैस के फॉर्म में वो शामिल हो जाता है. तो सेम ये भी ऐसे ही प्रोसेस है. वाटर कैन एवेपोरेट एट एनी टेम्परेचर. जो पानी है हर दर्जा हरारत पर बहरात में तब्दील हो जाता है, बहरात बन के पानी उड़ जाता है. एवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी, रिवर, कैनाल, लेक्स, ईटीसी. कह रहे हैं कि पानी से बहरात बनने का अमल समंदरों, दरियाओं, नहरों वगैरह में भी पानी की जो सतह है उस पर जारी रहता है. आप लोगों ने देखा होगा कि पानी जो है वो बहरात बन के दरियाओं, नहरों, झीलों में भी ऐसे उसके बबल्स की फॉर्म में ऊपर उड़ रहा होता है बहरात बन के, वो भी उसमें दरियाओं, समंदरों वगैरह में भी ऐसे ही जो सतह है उससे जारी रहता है. इट आल्सो टेक प्लेस फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्नो. कह रहे हैं कि इसी तरह जो पानी है ये अमल पौधों के पत्तों और बर्फ़ की सतह से भी रोनमा होता है. आपने देखा होगा कि सुबह मॉर्निंग के टाइम में जो पौधों पे शबनम पड़ी होती है, तो वो क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि ये शबनम पानी जो है वो उस पर घास गीली होती है. तो वो कह रहे हैं कि यही इस अमल पौधों के पत्तों पर भी होता है और बर्फ़ की सतह से भी ऐसे ही रोनमा होता है कि पानी जो बहरात बन होते हैं वो जब एक जगह पे गिरते हैं तो वो बर्फ़ के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में हो जाते हैं. तो ये था सारा एवेपोरेशन का प्रोसेस, जो पानी बहरात बन के एटमोसफेयर में जाता है, फ़िज़ा में जाता है. यहाँ तक आज आप लोगों ने करना है. होमवर्क में आप लोगों ने यही टॉपिक लिखना है, राइट अ नोट ऑन एवेपोरेशन. जस्ट आप लोग ऊपर हेडिंग दे लेंगे एवेपोरेशन की, और सेम ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है पैराग्राफ के फॉर्म में ऐसे ही आप लोगों ने लिखना है. इसे पॉइंट्स में नहीं लिखना, इसे आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है. ठीक है, ये आप लोगों ने याद भी करने हैं बॉयलिंग और वेपोरेशन, और इसे होमवर्क में भी लिखना है.